क्या हुआ? यहाँ बैठो भाई। बात क्या है? पहले बैठो फिर बताऊंगा। अरे अब बोलो क्या हुआ? नहीं भाई, पहले ड्रिंक्स पियेंगे। ड्रिंक्स डिस्कशन एक साथ? ये कोई टाइम है? रात को अच्छा लगता है। बिना सवाल के गटक लो भाई। ड्रामा बहुत हुआ, बको। ये उतरेगी तो गले से बात निकलेगी। ऐसा क्या? अब रिकॉर्ड प्ले करो। आज संध्या मैडम से मिला था। है? मैंने उनसे कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा पानी सर से ऊपर निकल चुका है, उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे। मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप डरपोक हैं। उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा। अरे मैं क्यों जहर पीने लगा? मैं नहीं पीऊंगा। आप ऑलरेडी पी चुके हैं। क्या मैं? हाँ भाई। कब? अभी एक मिनट पहले आपके ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया था। पागल है क्या? पिला दिया? वो गए अंदर और मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। ऊपर हटो हटो हटो, भाई ने संध्या मैम के प्यार में जहर पी लिया। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इमरजेंसी केस है, हटो। इमरजेंसी? पेशेंट का रिश्तेदार हूँ, पेशेंट का रिश्तेदार। मैं इनके साथ आया हूँ। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू वंस अगेन। क्यों वीरा, थोड़ा जहर क्यों पिया? पूरी बॉटल क्यों नहीं पी? जरूर पियेंगे भाई, प्यार में बॉटल तो क्या, पूरा ड्रम पी जाएंगे। पूरा ड्रम? जरा यहाँ, मुझे एक डाउट है, तू मेरे लिए यहाँ आया या उसके लिए? मेरा प्यार होता तो मैं जहर पी लेता। जहर का नाम लिए बिना तेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता क्या? मुझे तो चाय के नाम से ही एसिडिटी हो जाती है। जहर मेरा पेट अपसेट कर देगा। क्यों रे, आर्ट फिल्मों की तरह ये मामला ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो रहा क्या? क्यों ना माल मसाला डाल के साउथ फिल्मों का तड़का लगा दे। क्या कह रहे हैं तुम्हें? सुनना चाहती हैं आप? जहर लाने को कह रहे हैं ताकि आपके सामने जहर पी जाए। मैंने कब कहा? शौक से मरो तुम यहीं। अच्छा हुआ बहू ने फोन उठा लिया, तो मैं कह रहा था बहू। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, आगे से फोन किया तो तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी। उस नालायक को डॉक्टर मिल गई? अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे। आओ, तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो? चीची चीची कह के इतना गंदा चेहरा बनाया, तुम्हें वो इतनी बदसूरत लगी क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी प्रेमिका है ना, मेरे लिए आंटी समान है। शुक्र है दोस्त, डॉक्टर से कहो ना मुझे डिस्चार्ज दे दे, मुझे वसूली पे जाना है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप भी थोड़ा सा जहर पीजिए ताकि इनका दर्द समझ में आ जाए। अबे क्या बकरा है? मैं शपथ लेता हूँ, जब तक भाई को प्यार में कामयाबी नहीं मिलती मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन में चलकर डिस्कस करते हैं। अबे फेकू चन, प्यार में तो लोग कुछ भी कर लेते हैं, जहर खाकर जान भी दे देते हैं। देखो वेंकट, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। What? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? You help me, I help you. How can you think like that? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या कहा? सच में। उसमें दम नहीं हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दूंगा। उसमें कम से कम फिल्म के हीरो जैसी लुक्स होनी चाहिए। दुनिया के टॉप मैगजीन्स के कवर पेज पर फोटो ना छपे, ऐसा बॉयफ्रेंड किस काम का? जानते हो ये कौन है? द मोस्ट सक्सेसफुल हार्ट सर्जन इन द स्टेट, डॉक्टर विश्रांत। अच्छा? द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। ऐसा क्या? 24/7 वो बिजी ही होते हैं, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो तो ही अग्री करते हैं। समझ गया, बात कहाँ तक पहुँची है? बात तब बढ़ेगी जब वो मुझे देखेगा। ये बात है, आज तक बात ही नहीं हुई। माय बैड लक। One-sided love. कोई भी लड़की उसे प्यार करेगी। ओके। मैं सेट कर दूंगा। क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसे हेल्प ही समझ लो। बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं फिट कर दूंगा। मैं उस हार्ट सर्जन के हार्ट को ऐसा रेस्टलेस कर दूंगा कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। हाँ। ए, 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 ए। कौन है? वही जो तुम्हें ट्विटर की तरह फॉलो कर रहा है। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ इसे। कुछ नहीं हुआ है, इतनी फिक्र मत करो उसकी। मुझे पेशेंट्स देखने जाना है, बाय। हाँ जाओ जाओ, बिल पे कर देना। ओके। एक बात समझ में नहीं आई, ये प्यार तो डॉक्टर विश्रांत से करती है, फिर इसकी मदद क्यों कर रही है? एकदम बुद्धू हो, समझती नहीं हो। वो एक फॉर्मूले पर काम कर रहा है, आलिया के सामने भोला बन के वो उसकी हेल्प करने की एक्टिंग करेगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस जीतेगा। यही तो है फॉर्मूला, सिंपैथी फॉर्मूला, यही होने वाला, देखती जाना। कोई तो है जो इसे जरूर हॉस्पिटल ले गया होगा। कार की स्टीयरिंग राइट साइड में होती है, यानी दाहिनी ओर से उसे देखा गया होगा। अगर उल्टे साइड गई तो उधर से आने वालों ने उसकी शक्ल देखी होगी। दोनों बातें मुमकिन है, इस तरफ चले जाते हैं, उस तरफ नहीं जाते। उस तरफ क्यों नहीं? यहाँ से नजदीक है मुन्ना।
Yes? उसने फोन उठा लिया, क्या कहूं? स्पीकर फोन ऑन करो, जो मैं कहता हूँ रिपीट करो। Who is this? Hello, this is Dr. Alia from Narayan Hospital. मुझे आपसे एक मिनट बात करनी है। I'm very busy. मैं आधे मिनट का टाइम दे सकता हूँ। मैगजीन में मैंने आपका ओपन हार्ट सर्जरी पर एक आर्टिकल पढ़ा, उसी के बारे में बात करनी थी। ओह, मेरी तारीफ करनी है क्या? ऐसे बहुत फोन आते हैं मुझे। बोलिए। It is absolutely wrong. It is absolutely wrong. क्या? एकदम बकवास है। पागल हो क्या? एकदम बकवास। ऐसा क्यों लगा? आपने आधे मिनट का टाइम दिया था। टाइम इज अप। आपने आधे मिनट का टाइम दिया था। टाइम अप। अभी बिजी हूँ, आधे घंटे में फोन करूंगी। अभी बिजी हूँ, आधे घंटे बाद फोन करूंगी। ओके, अब कॉल काट दो। हेलो, हेलो। आधे घंटे बाद उसे फोन करना है। लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अभी वो तुम्हारा कॉल एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ। कॉल एक्सपेक्ट कर रहा है यानी फिलहाल तुम्हारे बारे में सोच रहा है। फोन नहीं आने पर तुमसे गुस्सा होगा और गुस्सा होने पर वो क्या करेगा? क्या करेगा? तुम्हें फोन करेगा और मैटर क्लियर होगा। उसी का फोन है। फोन मत उठाना। हाँ? जो इंतजार करवाते हैं उन्हें ज्यादा भाव मिलता है। अब बात करो। हेलो। तुम फोन करने वाली थी, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बिजी आदमी हूँ। Yes. उस पेशेंट के रिलेटिव्स आए हैं। हाँ। कह रहे हैं कि पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। उनसे कहो पैसे मिलने के बाद सर्जरी शुरू होगी। Why are you wasting my time? फोन आपने किया है। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। It's okay. अब बताओ मेरे आर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है? शाम को एंजल्स पब में बताऊंगी। No. तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? क्या करूं? मुझे टेंशन हो रही है। क्या टेंशन हो रही है? तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, चलो। बाद मैंने इतना एंजॉय किया। उसने विश्रांत को पब में आने के लिए मजबूर कर दिया, पर वो गया कहाँ? मेरी थ्योरी के हिसाब से सिंपैथी लेके उसका दिल पिघलाएगा। अरे यार, वो फिर से भाग गया। शह। कौन? तुम भूल गई? तुम्हारा पीछा करने वाला। पब के कॉर्नर सीट पर बैठा। हाँ। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो मेढक की तरह बाहर लपका और रोड क्रॉस करके मेरी आंखों से ओझल हो गया। उसका पीछा करते करते थोड़ी खरोंच लगी, but it's okay. Oh no, first aid kit लाना। देखा तुमने? मुझे दिखाओ। तुझे तो डिस्चार्ज करवा के ही रहूंगी। आप बिल्कुल ठीक है, कल सुबह आप घर जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। मुझे लगता है सेफ्टी के लिए 2-3 हफ्ते इन्हें यही रखना चाहिए। 2-3 हफ्ते और सड़ाएगा। भाई, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं ना? मैं कह रहा था तुझसे किस मनहूस घड़ी में मिला। डिस्चार्ज मिलते ही तुझे देख लूंगा। बाहर निकलोगे तब देखोगे ना। है? ओग, ओग, ओग। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन में जाए खाली। किया? डिस्चार्ज मिलने वाला था, फिर कूदे क्यों? किसी ने कहा हॉस्पिटल में आग लगी है। आग लगी है? हाँ। कल रात यहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हुआ था? नहीं तो। हाँ? वो तुम थे? इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। संध्या डे शिफ्ट में है ना? ये मेरा कांड है भाई। कल रात ही मैंने संध्या मैडम से एक मीटिंग की, आपकी तरफ से शादी का प्रपोजल दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो मैं भी भड़क गया। मैंने कहा भाई खिड़की से कूद जाएंगे। उन्होंने कहा वो डरपोक है, नहीं कूदेंगे। पर आपने कूद के मेरी इज्जत रख ली। यू आर फैंटास्टिक भाई, सिंपली अमेजिंग।
आओ मम्मी। तुम फिर से बच गए? 8th फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर भी तुम 2nd फ्लोर से क्यों कूदे? जरूर कूदेंगे, आपके प्यार के लिए सिर्फ 2nd फ्लोर क्या है, वो टेरेस से भी कूदेंगे। आईफेल टावर से कूद जाऊं? कुतुब मीनार से कूद जाऊं? संध्या, तीर निशाने पर लग गया ना? दुश्मन, अपने फ्रैक्चर्ड हाथ जोड़ता हूँ, आगे से मेरी हेल्प मत करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? इस वक्त तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की हालत में नहीं हूँ रे, बस बचे हुए हाथ पैर सलामत रहे ऐसी विनती कर सकता हूँ। सुन, हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज मिलते ही अगर तुझे इसी बेड पर नहीं लिटाया तो मेरा नाम वीरा ब्रह्मा नहीं। मैं समझ गया भाई। क्या समझ गया? नीचे कूदने के बाद घुटने के साथ ब्रेन डैमेज हो गया, वरना मुझे धमकी देने की गलती नहीं करते। पर मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ, जब तक आपका प्यार आप नहीं पाते मैं भी चैन से नहीं सोऊंगा। सोएगा नहीं, उबासी तो ले रहा है। 1 नंबर का लुचा है, मेरी चेन चुरा के ले गया। एक लड़की उसे यहाँ लेकर आई थी, वो उस लड़की का एड्रेस वाला पेज फाड़ कर ले गया। लेडी डॉक्टर हैदराबाद की है, मेरे ख्याल से उसका नाम आलिया है। बॉस को फोन कर ले, उसका पता चल गया है। उससे कांटेक्ट हुआ या नहीं? अभी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। 1 नंबर के बेवकूफ हो। ऐसा मत कहिए सर, मैं खुद के लिए कोई अच्छी गाली सोच लूंगा सर। तेरे लिए तो गालियों की नई डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। जैसे ही तुझे एविडेंस मिल जाए तुरंत मुझे मेल कर देना। लेकिन सर आप ही ने कहा था ना मेल हैक हो सकता है। उसी की वजह से तो आज तक बचता रहा हूँ मैं कुरियर से भेज दूंगा सर। फोन रख।